हेलो एवरीवन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस कैसे हैं आप सभी जल्दी से मुझे कंफर्मेशन दे दीजिएगा इज ऑडिबिलिटी ऑडिबिलिटी एंड एंड विजिबिलिटी विजिबिलिटी एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली फाइन इज फाइन और नॉट जल्दी से कंफर्मेशन दीजिए नकुल गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन कैसे हैं आप सभी जल्दी से मुझे बता दीजिएगा इज ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी एब्सोल्युटली फाइन और नॉट इज ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी एब्सोल्युटली फाइन और नॉट यस और नो Yes or no? से बता दीजिएगा इज ऑडिबिलिटी एंडसोल चले गुड मॉर्निंग हाइड्रोलॉजी जय हिंद बहुत बढ़िया सबसे पहले मुझे कन्फर्मेशन दे देगा इज ऑडिबिलिटी एंडिबिलिटी फाइन और नॉट तो हम अपने सेशन को विदाउट एनी डेली स्टार्ट कर सके सो so देट हम अपने सेशन को एसजीपीसी ओके okay? मैं बढ़िया हूं हाइड्रोलॉजी आप कैसे हो कल का सेशन भी देख लेना यार कल अच्छे क्वेश्चन हाइड्रोलॉजी ठीक है चलो रंजना जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चलो सब बढ़िया ऑल ओके कंफर्मेशन आ चुका है ऑल ओके okay, सर हम स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट एंड ले तो देखो हमारा सेशन डेली जो होता है वो सुबह दस बजे की क्लास है और मैं इसमें बात कर रहा हूँ एक नहीं दो नहीं जितने भी ए जी एग्जामिनेशन है

और इस सेशन को ज्वाइन करो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि मेरे जो भी यहाँ पर वीडियोज आते हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे चाहे वो रिकॉर्डेड हो चाहे किसी भी तरीके के हो तो आपको वहां पर हम बात करते हैं यहाँ पर मिलता रहेगा साथ साथ टेलीग्राम चैनल जो है वो वैभव सर का यहां पर है।, सर कोचिंग इसमें होता है, को क्विज होता है और क्विज के साथ साथ group, जब तुम ना तो वहां पर अपने डाउट पोस्ट कर सकते हो सो so, तुम्हें इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा मेरे साथ दूसरी चीज तुम्हें मिलती है बच्चों के साथ इंटरेक्शन करने का मौका और जो ऑलरेडी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स है वो भी वहां पर है तो उनके साथ भी इंटरेक्शन करने का मौका तुम्हें वहां पर मिल रहा होता है ठीक है तो विदाउट एनी डिले ये यहां पर ज्वाइन कर लो और अगर कोर्सेज इनरोल करना है तो एकमात्र कोड जो है जिससे तुम्हें बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिलता है वो है वैभव तो वैभव कोड के साथ अपने आप को एनरोल करना अपने कोर्सेज के अंदर कैसे करना है लास्ट में बता दूंगा शुड बी स्टार्ट नाउ विदाउट एन डिले शुड बी स्टार्ट नाउ यस नो बोलो फटाफट से जल्दी yes, no, yes, no, से यस <coughs> नो yes, no, yes, no, yes, no, बोल लो यार ठीक है यस नो बोल दो फटाफट से यस नो बोल दो फटाफट से शुड बी स्टार्ट नाउ जल्दी फटाफट पड़ से सेशन को शेयर और लाइक कर दो और कल वाला सेशन अगर किसी ने नहीं देखा है सुनो कल वाला सेशन नहीं देखा है तो कल वाला सेशन देख लेना और इस सैटरडे सैटरडे संडे संडे होने होने वाला वाला बहुत वाला है बहुत बहुत खास खास मैं हूं है है ठीक चलो और कल के सेशन में मजा आया चलो तो फिर स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ फटाफट पड़ से आंसर बताओ इसका क्या होगा द शार्प अगर हम बात करते हैं फटाफट पड़ से आंसर दो फटाफट से आंसर दो जल्दी से क्या होगा आंसर बताओ आंसर शार्प द क्रॉस राउंडेड। अगर एक क्रॉस सेक्शन की बात करेंगे ठीक है हम बात करते हैं the cross section of canals are rounded because अगर हम बात करें द कॉर्नर्स मे नॉट बिकम जोन ऑफ स्टेग्नेशन कॉर्नर्स मे नॉट बिकम द जोन ऑफ स्टेगनेशन तो इसका आंसर क्या होगा सभी लोग आंसर देते फटाफट से देखो आंसर जरूर दो यार अगर तुम पार्टिसिपेट नहीं करोगे रेस में तो जीतोगे कब ठीक है आज हारे हो कोई दिक्कत नहीं लेकिन जीतना भी तो है तो देखो अगर हम देखते हैं तो कभी भी ट्रेपेजॉर्डन सेक्शन को जो हम बनाते हैं वो हम क्या करते हैं राउंडेड कॉर्नर के साथ बनाते हैं और अगर ट्राइंगुलर सेक्शन की बात करें तो सर्कुलर बॉटम सेक्शन के साथ बनाते हैं यही करते हैं क्यों ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि अगर इस जोन में देखें तो काफी ज्यादा एडिस जनरेट हो जाते हैं तो ये हमारा क्या होगा जोन ऑफ स्टेग्नेशन बन जाता है क्या होता है जोन ऑफ स्टेग्नेशन बन जाता है तो जोन ऑफ स्टेग्नेशन में पानी का फ्लो इतना ज्यादा नहीं होता है और फिर हम बात करते हैं स्कोरिंग बहुत ज्यादा होने लगता है ठीक तो है तो हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं यहाँ पर इनको इसलिए यहाँ पर कर् बना दिया जाता है सो देट यहाँ पर जोन ऑफ स्टेग्नेशन ना हो और क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा लॉस ना हो और क्रॉस सेक्शन एरिया लॉस नहीं होगी तो कैनाल की इफिशियंसी बनी रहेगी कैनाल की इफिशियंसी बनी रहे

कौन सा सेक्शन है वो जिसको हम स्मॉल डिस्चार्ज के लिए यूज करते हैं कौन सा सेक्शन है वो जिसको हम स्मॉल डिस्चार्ज के लिए यूज करते हैं फटाफट बताओ किसको ट्राइंगुलर सेक्शन को हम क्या करते हैं स्मॉल डिस्चार्ज के लिए और जनरली ट्रिपोल सेक्शन को लार्ज डिस्चार्ज के लिए हम यहां पर यूज कर रहे होते हैं तो फर्स्ट नंबर की बात करेंगे ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर सेकेंड का आंसर बताइएगा फटाफट से सेकेंड का आंसर बताइए फटाफट से बेटर रहेगा नकुल बिल्कुल हिंदी इंग्लिश में करेंगे यार एक दो बार अगर इंग्लिश आ गई तो थो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा जनरली वैभव सर के सेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में चलते हैं आप पुराने सेशन देखेंगे आपको बिल्कुल क्लियरिटी होगी हिंदी और इंग्लिश कुछ क्वेश्चन हैं जो अभी इंग्लिश में चल रहे हैं कोई इश्यूज नहीं है इनका हिंदी कन्वर्जन अभी हो नहीं पाया शुद्ध रूप से कर लेंगे आके हिंदी के भी लेकर के आएंगे ठीक है चलो बहुत बढ़िया क्या होगा भैया 320 बोल रहे हैं सबके सब देख लेते अगर देखो कभी भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना हुआ ना तो एक काम करना जहां पर जंक्शन है उसके लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में एक सेक्शन ले लिया करो एक्स वन एक्स टू ले लिया करो और यहां पर क्या ले लोगे और X4 ले लोगे बस बस जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट में जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट में तो सबसे पहले ए एक्स वन के लिए बना देना ए एक्स वन के लिए बनाओगे तो ये है ए और ये है एक्स वन तो ए पर कितना लग रहा है पैतालीस लग रहा है तो एक्स वन पर भी कितना लगेगा पैतालीस लगेगा अब x1 से b के लिए अगर हम देखेंगे तो x1 से x2 के लिए डायरेक्टली देखते हैं तो x1 से क्या किया x2 के लिए डायरेक्टली देखा और बीच में पड़ता था कौन b और b के लिए हमने क्या किया 365 ऑलरेडी लगा रखा था 365 ऑलरेडी तो यहां पे कितना आएगा 45 ऑलरेडी 45 यहां पर लग गया है अब बचा कितना इसको बैलेंस करोगे बैलेंस करोगे तो इसमें कितना बचा इस पे बचा है ये 320 बचा है तो x2 पे कितना आ गया 320 निकल कर आ गया अगर हमने x2 से x3 की बात कर ली है तो x2 से x3 की और बात कर लेते हैं तो x2 से x3 और x2 पे कितना कॉम्प्रेसिव साइड लगा है तो ये भी यहाँ पर कॉम्प्रेसिव 320 लग जाएगा और हम बात करेंगे x3 x3 पे भी क्या लगेगा 320 लग जाएगा और X2 और X3 के बीच का सेक्शन क्या है B और C के बीच का सेक्शन है आगे निकालना है आगे निकाल लेते हैं तो X3 और X4 के बीच में X3 और X4 के बीच में निकालते हैं तो C पॉइंट पे कितना लग रहा है C पॉइंट पे जो तुम्हारा लग रहा है वो 450 लगने का है 450 ठीक है यहां पर कितना लगा 320 लगा और अगर 320 सौ बीस इस साइड लगा चार सौ साइड लगा तो चार और तीस हम बात है पचास तो एक सौ का लोड हम बात करेंगे इस साइड पे लगने वाला है और 130 इस साइड पे लगेगा तो 130 x4 और d4 में पूरा बैलेंस हो जाएगा तो ये 130 यहां लग रहा है और ये 130 यहां लग रहा है पूरा बैलेंस हो गया या नहीं तो अगर मैंने देखा यहां पर x4 d तो यहां पर b और c का मतलब क्या है x2 से x3 और यहां पर कितना लोड लग रहा है हम बात करते हैं 320 कौन सा कंप्रेसिव अगर कंप्रेसिव और टेंशन दोनों लिखा होता तो कैसे सॉल्व करते वो मैंने यहां पर पूरी इमेज क्लियर कर दी अब मैं पूछता सुनो अब मैं पूछता इस बार का डायामीटर अगर 10 एम बोल देता हूं सुनना इस बार का डायामीटर 10 एम बोल देता हूं और ये जो फोर्स है वो किलो न्यूटन में है समझना ये फोर्सेस है किलो न्यूटन में है. तो बार का डायामीटर 10 mm है तो बताओ सबसे ज्यादा स्ट्रेसेस किस सेक्शन में आएगी और कितनी आएगी सबसे ज्यादा स्ट्रेसेस किस सेक्शन में आएगी और कितनी आएगी जल्दी बताओ फटाफट पड़ से फटाफट पड़ से सबसे ज्यादा स्ट्रेस किस सेक्शन में आएगी और कितनी आएगी फटाफट पड़ से बताओ कोई बताएगा देखो अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा लोड किस में है सबसे ज्यादा लोड हमारा 320 इसी सेक्शन पे है बीसी सेक्शन पे है कहां पर है बीसी सेक्शन पे सबसे ज्यादा लोड और सबसे ज्यादा लोड बीसी सेक्शन पे है और दस एम mm है तो हमारा तो न्यूटन तो पर एमएम mm स्क्वायर में निकल करके आ जाएगा तो ये हमने क्या किया है अज्यूम किया है अगर हम बात करें अज्यूम किया है हमने अज्यूम किया है क्वेश्चन में हमें दे रखा है तो इस तरीके से हमें आंसर निकालना पड़ेगा तो एक और नया क्वेश्चन बन गया मतलब ये क्वेश्चन तो था ही इस क्वेश्चन को आगे एक्सटेंडेड एक्सटेंशन पार्ट मैंने दे दिया है कि एक्सटेंशन पार्ट किस तरीके से दिया जाएगा समझ आया क्वेश्चन या नहीं पहले मुझे ये बताओ तो सेकंड नंबर की बात करेंगे ऑप्शन नंबर फोर इज द राइट आंसर होगा समझ आया और वो स्ट्रेसेस भी कैसे होंगी कॉम्प्रेसिव निकल करके आएंगे ठीक है स्ट्रेसेस भी कैसे होंगे कॉम्प्रेसिव निकल करके आएंगे तो एक और एक्सटेंडेड वर्जन हमने इसका ले लिया

जिसमें डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ वाटर कोर्स के डिफरेंस पे डिपेंडेंट होता है वो नॉन मॉड्यूलर होंगे वो नॉन मॉड्यूलर होंगे <coughs> वो नॉन मॉड्यूलर होंगे और मॉड्यूलर क्या होंगे जिसमें डिस्चार्ज फिक्स्ड रहेगा डिस्चार्ज क्या रहेगा फिक्स रहेगा ठीक है तो हम बात करते हैं जिसमें डिस्चार्ज फिक्स रहेगा इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी वाटर लेवल एंड वाटर कोर्स वाटर लेवल वो हमारे क्या हो जाएंगे वो हमारे हो जाएंगे मॉड्यूलर जिसको और सेमी मॉड्यर क्या होता जिसमें है जिसमें केवल डिस्ट्रीब्यूटरी के वाटर लेवल पर डिपेंडेंसी होती है डिस्ट्रीब्यूटरी के वाटर लेवल पर डिपेंडेंसी होती है वो हमारा क्या होगा सेमी मॉड्यूलर आउटलेट कहा जाएगा अब आपसे पूछ रहा है कि सेमी मॉड्यूलर आउटलेट यहाँ पर कौन कौन से हैं तो देखो अगर मैंने देखा यहाँ पर एडजस्टेबल प्रोफेशनल मॉड्यूल ये भी है हमारा अगर ओपन फ्लूम आउटलेट देखा तो ये भी है और कैनेडीज गेज आउटलेट देखा तो ये भी है तो हमारा ऑप्शन नंबर वन जो है वो हमारा राइट right आंसर निकल करके आएगा टू फोर एंड फाइव इज द राइट आंसर टू फोर एंड फाइव इज द राइट आंसर निकल अच्छा गिफ्ट मॉड्यूल कौन सा है गिफ्ट मॉड्यूल गिफ्ट मॉड्यूल का बताओ फटाफट से गिफ्ट मॉड्यूल अगर गिफ्ट मॉड्यूल की बात करें तो कौन सा है गिफ्ट मॉड्यूल जो निकल के आता है मॉड्यूलर के आता है ठीक है गिफ्ट मॉड्यूल कौन सा आता है मॉड्यूलर निकल करके आ रहा होता है मॉड्यूलर निकल करके आता है समर्स पाइप आउटलेट समर्स समर्स पाइप आउटलेट कौन सा है समर्स समर्स की बात करें तो नॉन मॉड्यूलर हो जाएगा और खन्नास मॉड्यूल खन्नास मॉड्यूल खन्नास मॉड्यूल क्या होगा खन्नास मॉड्यूल भी किसमें आएगा रिजिट आउटलेट में निकल करके आएगा रिजिट आउटलेट में निकल करके आएगा तो ये सारे हमें याद रखने एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं ध्यान रखना अगर नॉन मॉड्यूलर की बात करूं तो ओपन स्लूस और हम बात करते हैं सम्बर्स पाइप आउटलेट यहां पे नॉन मॉड्यूलर में आएंगे अगर सेमी मॉड्यूलर की बात करें तो क्या होता है पाइप आउटलेट जो हमारा निकल करके आता है बेंचुरी फ्लूम होता है ओपन फ्लूम होता है ऑरिफिस होता है ऑरिफिस सेमी मॉड्युलर आउटलेट भी होते हैं तो ये हम बात करते हैं यहाँ पर एक कंडीशन निकल करके आ रही होती है ठीक है और हम बात करेंगे एडजस्टेबल प्रोपोर्शनल जो हम निकल करके आते हैं वो भी हमारा क्या होता है सेमी मॉड्युलर निकल करके आ रहा होता है कैनेडीज गेज भी हमारा सेमी मॉड्युलर तो इतने सारे नाम हमने डिस्कस किए तो आप एक बार वीडियो देख करके लिख लो इनको आप अपना टेबल बनाओ यार मैं टेबल बनाऊंगा टाइम लगेगा लिखने में मैंने एक बार बता दिया नहीं होगा टेलीग्राम पर पूछना भेज दूंगा कोई इश्यूज नहीं है तो कोई नहीं है है ठीक क्लियर तो सेमी मॉड्यूलर हम बोल सकते हैं आउटफॉल पर डिपेंड नहीं करता लेकिन हाँ डिस्ट्रीब्यूटरी के लेवल पर डिपेंड करेगा ठीक है चलो तो हम थर्ड नंबर की बात करेंगे ऑप्शन नंबर वन अच्छा तुमने देखा ना नाला सुपारा अरे नाला सुपारा बोल रहा हूँ क्या यार वो था वो पाइप से पानी आता है और उसके बाद ड्रेन में मिल जाता है तो जो पाइप से आने वाला डिस्चार्ज है वो किस पे डिपेंड करेगा ऊपर वाले डिस्चार्ज पे मतलब डिस्ट्रीब्यूटरी के डिस्चार्ज पे डिपेंड करेगा नीचे वाले डिस्चार्ज पे मतलब आउट आउट जो हम बात करते हैं आउटलेट के है तो हम बात करेंगे वहां से तो डिपेंड नहीं करेगा तो ये कौन सा होगा डिस्ट्रीब्यूटरी पे डिपेंड करता है तो सिंपली पाइप से जो पानी आ रहा है वो क्या होगा सेमी मॉड्युलर टाइप निकल करके आएगा कौन सा सेमी अच्छा पाइप अगर समर्ज है

बेटा समझो बात को कि अगर मैंने इक्वल एंगल बैक टू बैक रख दिए तो ये मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन देता है अगर हम बात करते हैं सॉरी मैक्सिमम रेडियस ऑफ गायरेशन देता है तो हम बात करेंगे ये तो हमारा गलत हो गया है ठीक है तो अगर हमने बात किया ये कंडीशन है तो हमें निकालना है लार्जर वैल्यू ऑफ मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन तो हम बात क्या लार्जर वैल्यू ऑफ मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन की बात करेंगे तो क्या होगा अनइकअल एंगल जब हमारे बैक टू बैक रखे जाएंगे विथ लॉन्ग लेग बैक टू बैक रखे जाएंगे तो हमारा क्या देगा लार्जर वैल्यू ऑफ मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन और रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है अगर हम बात करते हैं तो m अगर हम बात करते हैं into k square is equal to क्या होता है i i is equal to mk square जहां A, k क्या है रेडियस ऑफ गाइरेशन कहा जाएगा k क्या कहा जाएगा रेडियस ऑफ गाइरेशन इसको हम बोल रहे होते हैं तो फोर्थ नंबर की बात करेंगे ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर होगा फिफ्थ की बात करो फटाफट से एक और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन एक और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन बताओ फटाफट से आंसर यस बकलिंग लेस हो जाएगी उस कंडीशन में बकलिंग <coughs> क्या हो जाएगी लेस हो जाएगी फटाफट से शेयर एंड लाइक द सेशन फटाफट से शेयर एंड लाइक द सेशन अबे थोड़ा रुको बाकी लोग तुम्हारे लेवल पे नहीं है ना तो नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं कर सकते हैं सभी को डिस्कशन करना जरूरी है है ना चलो

गामा क्यू इंटू एच निकल करके आता है ये होता है क्या होता है गामा क्यू एच निकल के आता है गामा क्या है डेंसिटी अगर हम आके क्यू क्या है डिस्चार्ज और एच क्या है उसका हेड निकल करके आएगा नेट हेड निकल करके आएगा ठीक है तो अगर देखा जाए तो ब्रेक पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या गामा निकल करके आएगा क्यों क्योंकि यहां पर डिस्चार्ज और हम बात करते हैं हेड अगर सेम रखा जाए डिस्चार्ज और हेड को चेंज नहीं किया दोनों को सेम रखा गया तो ब्रेक पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा तो ब्रेक पावर ऑफ टू अगर हम बात करते हैं अपॉन ब्रेक पावर ऑफ वन इज इक्वल टू गामा टू अपॉन गामा वन निकल करके आएगा तो ब्रेक पावर ऑफ टू निकालने का है हमको और हमने वन की बात की सुना हमने वन की बात की वन कितना दिया गया है अठारह किलो वाट दे दिया गया जीरो पॉइंट एट इंटू नाइन पॉइंट नाइन पॉइंट एट अपॉन नाइन पॉइंट एट दे दिया गया क्योंकि ये गामा वन किसका वाटर का है गामा टू सॉल्वेंट के लिए लिया गया है तो यहां पर ब्रेक पावर टू कितना आ रहा है जल्दी बताओ ब्रेक पावर टू कितना अठारह आठ तो आठ चौसठ हमारे फोर्टीन पॉइंट फोर निकल करके आएगा फोर्टीन पॉइंट फोर किलो वॉट निकल करके आएगा कितना किलो निकल करके आएगा। हमारा कितने लोगों के लिए बिल्कुल नया था ये कई लोगों के लिए नया हो सकता है मेरे को पता है कई लोगों के लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल नया हो सकता है तो ये चीजें ध्यान रखो फ्लूड मैकेनिक्स से तुमको उठा करके दे दी गई है ठीक है चलो तो फिफ्थ नंबर की बात करेंगे हमारा ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर होगा सिक्स नंबर का आंसर दो फटाफट से नंबर का आंसर दो फटाफट से बहुत बढ़िया पिहू तुम कहीं और चले जाओ फिर तो यार कहीं और चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है चलो द मोस्ट सुटेड फेल्योर थ्योरी फॉर कॉन्क्रीट इज मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ थ्योरी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ थ्योरी क्या बोला है मोस्ट सुटेबल थ्योरी फॉर द कॉन्क्रीट पहले मुझे बताओ कॉन्क्रीट कैसा मटेरियल है ब्रिटल मटेरियल है ना

तो हम बात कहें प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी हो जाएगी कौन सी प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी और डक्टाइल मटेरियल आर लिमिटेड बाय देयर शेयर स्ट्रेंथ बिल्कुल सही बात है कल भी मैंने यहां पर बात की थी जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं वो क्या होते हैं शेयर में वीक होते हैं टेंसाइल में क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं कंप्रेशन में फिर होते हैं फिर उसके बाद हम बात करते हैं शेयर में वीक होते है। जबकि में हैं जबकि ब्रिटल मटेरियल क्या होते हैं ब्रिटेल मटेरियल क्या होते हैं टेंसाइल में बीक हो जाते हैं इसलिए हमारा यहाँ पर प्रिंसिपल मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी निकल कर के आएगा पहला वाला गलत हो गया दूसरा वाला सही हो गया ज्यादा सोचने का नहीं और फोर नंबर पे टिक करके आगे बढ़ जाने का है ज्यादा सोचने का नहीं है और फोर नंबर पे टिक करके आगे बढ़ जाने का है अरे बढ़ेगा आगे या नहीं बता जा मूरे। जल्दी बता फटाफट से जल्दी 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 फटाफट पड़ बताओ हॉरिजोंटल बेंचुरी मीटर इज विथ इनलेट डायमीटर ऑफ थर्टी सेंटीमीटर ठीक है चलो वन ट्वेंटी फाइव इतनी जल्दी आंसर इतनी जल्दी खटाखट

x की वैल्यू आज में पता चली कितनी है हाँ, x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 20 सेंटीमीटर है x की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर निकल कर के आई ऑफ मरकरी की और cd की वैल्यू कितना है 0.98 निकल करके आती है कितना 0.98 निकल करके आती है अब मैं बोल रहा हूं कि रेट ऑफ फ्लो निकाल तो रेट ऑफ फ्लो क्या होता है इक्वल टू cd a1 a2 अपॉन कितना अंडर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर इंटू रूट टू जी एच निकल करके आएगा ठीक है और अगर h की वैल्यू निकाला नेट हेड तो कितना होगा एक्स हम बात करेंगे रो ऑफ मरकरी अपॉन रो ऑफ वाटर माइनस वन निकल करके आएगा अब ये सारी वैल्यू पुट करना होगा ठीक है तो अगर हम देखें तो एक्स इज इक्वल टू कितना रखोगे सेंटीमीटर इसको कितना रखोगे जीरो पॉइंट टू मीटर रखना और रो एच की वैल्यू सबको पता है कितना थर्टीन पॉइंट सिक्स इंटू रो डब्ल्यू निकल करके आएगा और नीचे रो की वैल्यू किसके बराबर रो डब्ल्यू के बराबर निकल करके आएगा उस वैल्यू को सॉल्व करके एच की वैल्यू आएगी ए वन ए टू कहाँ आएगा यहां से आएगा तो ए वन इज इक्वल टू कितना आएगा Pi by 4 into D1 square निकल करके आएगा पाई स्क्वायर निकल और ये भी मीटर स्क्वायर में रखना और ए टू की वैल्यू भी किस में रखना मीटर स्क्वायर में रखने का बनता है मीटर स्क्वायर में रखने का बनता है और सी डी की वैल्यू ऑलरेडी कितना जीरो पॉइंट नाइन एट दे रखा जीरो पॉइंट नाइन एट तो जब हम मैं इसको सोल्व करूंगा तो एक सौ पच्चीस लीटर पर सेकेंड जो आंसर आएगा वो आपका में आएगा मीटर क्यू पर सेकंड में आएगा ध्यान रखना आंसर जो आएगा वो कितने में आएगा मीटर क्यू पर सेकंड में आएगा और एक मीटर इक्वल टू कितना लीटर एक मीटर इज इक्वल टू कितना लीटर चली एक मीटर इज इक्वल टू कितना लीटर एक मीटर क्यू इज इक्वल टू कितना लीटर होता है पहले मुझे ये बताओ आधे लोगों को यही नहीं पता अभी तो बहुत बढ़िया कुछ बोल रहे हैं टेन की पावर थ्री कुछ बोल रहे हैं टेन की पावर माइनस थ्री भी बोला है किसी ने ओके टेन की पावर थ्री होता है तो बस उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा और आंसर देना पड़ेगा तो देखो यहां पर जो आंसर आएगा वो बहुत ही सोच समझ के आंसर निकालना है ठीक है अब ये एक ऑप्शन ये दे सकता है तुम्हें तो देखो इसी क्वेश्चन को घुमाने के लिए क्या करेगा एक ऑप्शन तुम्हें ये दे देगा और दूसरा ऑप्शन दे, दे देगा एक मीटर क्यू पर सेकेंड तो यूनिट देखना बहुत जरूरी हो जाता है ठीक है तो हम आते हैं यूनिट देखना बहुत जरूरी हो जाता है तो ये पूरे जो आंसर्स हैं वो थोड़ा सा यूनिट देख करके आंसर्स लगाया करो तुम छोटी छोटी मिस्टेक्स जो करते हो वो यहां पर इसी तरीके से करते हो जो छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हो क्या करते हो तुम इसी तरीके से कर रहे होते तो इन सारी चीजों को यहाँ पर ध्यान देने का है इन सारी चीजों को ध्यान देने का है कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है भाई आगे चल के यही तुम्हारा एक एक नंबर खा जाती है एक एक नंबर खा जाती है ये ठीक है चलो नंबर का आंसर दो फटाफट से बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन बहुत अल्टीमेट लवली क्वेश्चन बहुत बढ़िया अरे आपस में लड़ो मत यार आपस में प्रेम करो मेरे देश प्रेमियों समझो बात को डी बोल रहे हैं क्या बोलते हो डी बोलते पब्लिक पब्लिक बोलती है इसका डी आंसर है सर कुछ लोग और कुछ पलटे का कोई अभी भी वक्त है पलटे का कोई सही बताओ मेरे को अभी भी वक्त है कोई पलटे का क्या प्रीतम यादव काफी दिनों बाद दीपांजलि कैसा रहा सिविल टू चलो देखते हैं the annual, the normal annual rainfall, अगर normal annual rainfall की बात करेंगे ऑफ सक्सेसिव एनुअल रेनफॉल इन द लास्ट थर्टी ईयर बिल्कुल अगर नॉर्मल एनुअल रेनफॉल निकालना है नॉर्मल एनुअल रेनफॉल निकालना है ठीक है तो हम बात करते हैं यहां पर तो क्या निकल आता है वो हमारा सही हो जाएगा क्यों क्योंकि लास्ट थर्टी ईयर का डाटा हम इंटरेक्ट रखते हैं जिसके लिए हम यहाँ पर देख रहे होते हैं जिसमें हम बात करते हैं यहां पर तो ये कंडीशन निकल करके आता है ठीक है नेक्स्ट बात करूंगा द द द नॉर्मल रेनफॉल आर अपडेटेड बाय डिलीटिंग नीडफुल नंबर ऑफ ओल्डेस्ट ईयर डाटा फ्रॉम रिकॉर्ड एंड एडिंग द नीडफुल नंबर ऑफ मोस्ट रिसेंट ईयर डाटा टू द रिकॉर्ड ये गलत बात है क्यों क्योंकि एक जो टाइम पीरियड होता है वो एक डिकेड के लिए मतलब अगले दस साल के लिए हम क्या करते हैं अपडेटेड रख रहे होते हैं अगले दस साल के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर तो अपडेटेड रख रहे होते हैं मतलब अगर लाइक अगर सुनो मेरी बात अगर मैंने नॉर्मल रेनफॉल निकाला तो 1990 से लेकर के मैंने 2000 तक का नहीं 2000 नहीं 2010 2010 नहीं 2020 तक का बोलो ठीक है 19 अगर हम बात करें 1990 से लेकर के 2020 तक का डेटा मैंने यहां पर देखा ये हमारा किसके लिए दे देगा नॉर्मल रेनफॉल के लिए और अगला नॉर्मल रेनफॉल निकालना है तो 1991 से लेकर के 2021 तक का निकाल लो अगला निकालना है नॉर्मल तो नॉर्मल निकालोगे 1992 से लेकर के तक ये तो नॉर्मल रेनफॉल देता जाएगा क्या देता जाएगा नॉर्मल रेनफॉल देता जाएगा लेकिन जब मुझे अगर निकालना है नॉर्मल रेनफॉल को जो अपडेट करना है तो उसमें क्या होगा जो नाइनटीन से लेकर के टू का डाटा अपडेटेड रहेगा अगला जो डाटा आएगा वो यहां पर एड ऑन तो होता जाएगा एड ऑन तो होता जाएगा लेकिन वो हमारा नॉर्मल रेनफॉल के केस में लास्ट टेन ईयर का डेटा अपडेटेड रखते हैं क्योंकि अगली बार में जो डेटा आएगा वो एवरेज को खराब कर देता है ठीक है और 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 जो पैंतीस साल का रिकॉर्ड लेवल है ना वो एवरेज एनुअल रेनफॉल होता है हम ते हैं एवरेज ये एनुअल रेनफॉल है नॉर्मल एनुअल रेनफॉल है जो 35 साल का डेटा होते हो वो एवरेज एनुअल रेनफॉल होता है वो क्या होता है एवरेज एनुअल रेनफॉल निकल करके आएगा ठीक है तो द स्टैंडर्ड डेविएशन इज कंप्यूटेड फॉर द रेनफॉल डेटा इज टेकन एज द मेजर ऑफ वेराइटी मेजर ऑफ वेरेबिलिटी ऑफ द रेनफॉल ड्यूरिंग द सेल्फ सेम सेट ऑफ इयर्स बिल्कुल सही बात है जो हम बात करेंगे जैसे हम बात बातें यहाँ पे, 1991 से 2001 पे आएंगे 21 पे आएंगे तो यहां पर अगर मान लो दो सौ यहाँ पर दो सौ पांच भी हो सकता है या एक भी हो सकता कुछ भी हो सकता है बट अगर हम इस 10 साल के डेटा को अगले 2021 से लेकर के 2030 तक यही डेटा को अपडेटेड रखते हैं उसके 10 साल बाद अपडेट करेंगे तो हमारा जो वेरिएबिलिटी है वो कम हो जाएगी वेरिएबिलिटी है क्या हो जाएगी कम हो जाएगी ठीक है तो यहां पर यह वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा और ये वाला गलत हो जाएगा नेक्स्ट द द रेनफॉल इन एनी ईयर इज लेस देन करेंट एवरेज एनुअल रेनफॉल और एवरेज एनुअल रेनफॉल ध्यान रखना एवरेज एनुअल रेनफॉल ये थर्टी फाइव ईयर के डेटा से आएगा ये किससे आएगा थर्टी फाइव दैट ईयर इज कॉल्ड एज द ड्राई ईयर बिल्कुल सही बात है ड्राई स्टेट नहीं है ये ड्राई ईयर है ठीक है तो ड्राई ईयर की बात करेंगे तो ड्राई ईयर की बात करेंगे अगर हमारा एवरेज अगर हम आपके एनुअल रेनफॉल एवरेज एनुअल रेनफॉल से कम है तो उसको क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे हम ड्राई ईयर और अगर ज्यादा है तो वेट ईयर और इक्वल है तो क्या बोला जाएगा नॉर्मल ईयर बोला जाएगा ठीक है क्लियर है बात क्लियर है बात क्लियर है बात यस और नो चलो तो ये हमें ध्यान रखना है ये चारों स्टेटमेंट हाइड्रोलॉजी से रिलेटेड थे और बहुत प्यारा क्वेश्चन की बात करेंगे तो बहुत प्यारा क्वेश्चन यहां पर फ्रेम किया गया है बहुत प्यारा क्वेश्चन अल्टीमेट क्वेश्चन की बात करेंगे यहां पर फ्रेम किया गया है ठीक है तो हमने बात की यहाँ पर एट नंबर की बात करेंगे ऑप्शन नंबर फोर इज द राइट आंसर होगा और ये बात कई लोगों को जन्मो जन्मांतर तक समझ में नहीं आती है कि किस तरीके से इसको डील करना है वो मैं बता रहा हूं उस चीज को दोनों में अंतर है ठीक है तो हम बात करेंगे यहां पे आठ नंबर की बात करेंगे नाइन्थ नंबर की बात करो फटाफट से। नाइन्थ नंबर की बात करो फटाफट से। <laughs> बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया फटाफट से अगर स्टीपेस्ट ग्रेडियंट की बात करते हैं टू डिग्री कर पर तो स्टीपले रूलिंग ग्रेडियंट देखो देखो निकाला गया है रूलिंग ग्रेडियंट उसके बाद क्या करोगे 0.04 परसेंट जो है पर डिग्री ऑफ कर्व हमारा क्या है ग्रेड कंपनसेशन तो हमारा जो हमारा कंपनसेटेड ग्रेडियंट होगा वो क्या होगा कंपनसेटेड ग्रेडियंट जो निकल करके आएगा वो क्या हो जाएगा कंपनसेटेड ग्रेडियंट जो निकल करके आएगा वो क्या होगा वो होगा हमारा क्या निकल के आएगा 1 इन टू रूलिंग ग्रेडियंट माइनस कितना जीरो कितना टू डिग्री ऑफ कर्व निकल करके आएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वन इन टू थर्टी एट निकल करके आएगा लेकिन अगर मीटर गेज के लिए होता तो क्या होता मीटर गेज के लिए मीटर गेज के लिए होता तो क्या होता जीरो पॉइंट जीरो गेज के लिए बात करते तो नैरो गेज के लिए कितना होता नैरो गेज के लिए है <laughs> वो जीरो पॉइंट जीरो टू परसेंट निकल करके आ रहा होता कितना जीरो पॉइंट जीरो टू परसेंट निकल करके आ रहा होता तो हमारा ऑप्शन क्या ऑप्शन नंबर थ्री यहां पर सही हो जाएगा और मीटर गेज और

अब पलटो गधो पलटो देखना कितने लोग पलटने वाले हैं सब पलट अभी देखो आंसर डिलीट होना चालू हो गए और पलटेंगे भी अभी देखो यो वो पलटे देखो वो पलट गए पलट गए रे पलट गए चलो बहुत बढ़िया तो हम बात करते हैं यहां पर क्या होगा तो हम बात करेंगे यहां पर इस कंडीशन में ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा

पास हो जाएगी जो साफ शुद्ध हवा है वो यहां से क्या हो जाएगा पास हो जाएगा और वही कंडीशन को क्या बोलते हैं प्रेसिपिटेटर काम कर रहा होता है नेक्स्ट अगर इसकी इफिशियंसी देखें तो मैक्सिमम होती है और कितनी होती है सही बोल रहे हैं आप मैक्सिमम होती है लेकिन मैक्सिमम कितनी होती है यार मेरे को नहीं पता मैक्सिमम कितनी होती है तो मैं पता है क्या अगर हम बात करते हैं बाइक और कार में यूज कर सकते हैं बट इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है? हम बात कर कितना अपटू नाइनटी परसेंट तो 99% नाइन परसेंट अगर हम बोले तो नाइनटी फाइव से 99% नाइन परसेंट के बीच निकल करके आ रहा होता है तो टेंथ की बात करेंगे हमारा क्या हो गया पहले ही स्टेटमेंट गलत हो गया पहले स्टेटमेंट गलत हो गया तो हमारा ऑप्शन नंबर फोर जो होगा वो हमारा राइट right आंसर निकल करके आएगा ठीक है तो हम बात करते हैं यहाँ पर वो कंडीशन निकल करके आता है तो टेंथ की बात करेंगे हमारा बहुत ऑप्शन नंबर देखो ई हम यूज कर सकते हैं लेकिन उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगी एनर्जी लॉस हो जाएगी इसलिए हम वहां पर यूज नहीं करना चाहेंगे क्योंकि साइलेंसर में जो होगा वो स्पेस भी ज्यादा लेगा तो कटेलेटिक जो सही बोल रहे हैं अगर हम तो कैटेलेटिक कन्वर्टर हम वहां पर यूज कर लेते हैं कैटेलिटिक कन्वर्टर यूज कर लेते हैं ठीक है चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो दस नंबर की बात करेंगे ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा ठीक है ग्यारह नंबर की बात करो देखो इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। इसको अभी छोड़ रहा हूं। किसी सेशन में हिंट चाहिए तो हिंट दे देता हूँ अपॉन थ्री एल है तो ये काम करना सबसे पहले तो नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज निकालना कितनी होती है तो नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज कितनी होती है डीएस प्लस वन डीएस प्लस वन नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंस कितना होता है डीएस प्लस वन होता है या नहीं यस और नो अगर डीएस प्लस वन की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा एम माइनस जे प्लस आर ई अगर हम बात करेंगे प्लस वन निकल करके आएगा तो थ्री एम एम की बात करेंगे तीन माइनस थ्री जे कितने चार प्लस कितना होगा दो और दो चार प्लस वन निकल करके आएगा तो कितना जाएगा तीन तीन नौ बारह बारह और चार नौ और नौ चार तेरह एक चौदह और हम बारह की बात करेंगे तो कितना दो निकल करके आएगा

तीन कैसे ये देखो ना नंबर ऑफ प्लास्टिक दो आ रहे हैं कैसे तो कैसे बना दोगे? तीन कैसे बना दोगे दोगे अरे अलग अलग केसेस निकल करके आएंगे एक ए पर एक बी पर अलग अलग केसेस लेकिन अगर बी पर तुम प्लास्टिक हिंज बना दोगे तो वहां प्लास्टिक मूवमेंट अप्लाइड हो जाएगा फिर मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करोगे मुझे बताओ

ठीक है ए और कितना सी और इ e को ले लेना काम हो जाएगा और उससे आंसर जो निकल के आएगा वो क्या आएगा सॉल्व करना पड़ेगा तो कितना आएगा डब्ल्यू एलवाई सिक्सटीन आ रहा है कितना डब्ल्यू एल वाई सिक्स ये इजी तब रहता है जब गोदरेज हो ठीक है गोदरेज इजी रहता है तब सॉरी मतलब सॉरी मतलब... मतलब ये इजी तब रहता है जब हम बात करते हैं हमें एमपी के फॉर्म में निकालना हो ठीक है तब इजी रहता है ऐसे नहीं इजी है इतना इतना इजी भी नहीं है चलो फटाफट से आंसर दो फटाफट से आंसर दो इलेवेंथ नंबर की बात करेंगे हमारा ये होगा ट्वेल्थ की बात करो फटाफट से ट्वेल्थ की बात करो फटाफट से बहुत बढ़िया चलो बहुत बढ़िया ब्रिक मैसेनरी की बात करें मैं देख रहा हूं पर्स्यूट ऑफ हैप्पीनेस आई एम नॉट अ मूवी वा लेकिन मुझे एक क्लिप मिली कहीं मुझे उस मूवी की एक क्लिप मिली मुझे यूट्यूब पर

ठीक है चलो अभी दो दिन से चल रही है दो दिन और चलेगी और खत्म हो जाएगी तो मस्ट वॉच मूवी है अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो एक बार देख लेना हिंदी में भी अवेलेबल है कोई दिक्कत नहीं मैं रिकमेंड कर सकता हूं मतलब आई एम नॉट वर्क मैं कभी मूवी नहीं देखता हूँ मूवी देखता भी हो तो तीन चार दिन में देखता हूँ लेकिन वो मूवी कुछ हिट कर रही है यार ठीक है चलो बहुत बढ़िया तो ब्रिक मैसेनरी इन अ मड मोटार इज वीक अगर हम बात करते हैं यहां पर ब्रिक मैसेनरी इन मड मोटार इज वीक इन स्ट्रेंथ अगर हम बात करें वीक इन स्ट्रेंथ क्योंकि तुम्हारा सपना क्या है पहले तो उसको आइडेंटिफाई कर लो और उस सपने को प्रोटेक्ट करने की के जिम्मेदारी केवल तुम्हारी है कोई दूसरा नहीं करेगा ये बात बिल्कुल सही है चलो वो भी देख लेंगे यार मैं बहुत कम मूवी मुझे मूवी का कोई शौक नहीं है यार थ्री इडियट मैंने आने के कम से कम तीन साल बाद देखी जब टीवी पे आई थी तब देखी मैं मुझे नहीं है कोई शौक बहुत रेयरली मूवी मुझे, मुझे हिट करती है ठीक है चलो ब्रिक मैसनरी ना मड मोटार इज वीक इन स्ट्रेंथ अगर हम बात करते हैं वीक इन स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो ब्रिक मैसनरी इन मोटार वीक तो वीक होगा ब्रिक मैसेनरी जो होगा वो वीक होगा बिल्कुल सही बात करते हैं हमारा वीक निकल करके आएगा उसके कंपेरिजन में अगर सीमेंट हम बात करते हैं यहां पर ठीक है तो हम बात करते हैं यहां पर सीमेंट या लाइन मोटर बनाएंगे तो इसकी स्ट्रेंथ क्या आएगी मैसेनरी की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी आएगी नेक्स्ट सीमेंट मोटर इनहांस द स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिक रिलेटेड टू द मड मोटर गलत बात है मड मोटर अगर हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक को इंक्रीज करता है एज कंपेयर टू सीमेंट मोटर अगर सीमेंट मोटार हम बात करते हैं तो सीमेंट मोटार कभी भी हम बात करते हैं यहां पर तो सीमेंट मोटार कभी भी यहाँ पर इंक्रीज नहीं करेगा जबकि मड मोटार कर रहा होता है तब हम बात करते हैं यहाँ पर यह कंडीशन निकल करके आ रही होती तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया गलत हो गया और अगर ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया तो फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा राइट आंसर निकल करके आएगा तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर मतलब क्वेश्चन में मजे आ रहे हैं या नहीं कल और आज के क्वेश्चन में मजे आए या नहीं ठीक है और एक क्वेश्चन सारे पीएससी के हैं अगर हम बात करें तो पी एस सी जेई या पी एस सी एग्जामिनेशन के क्वेश्चन से ज्यादा से ज्यादा ठीक है फटाफट से बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया यूपीएससी ने ए दिया है ए हटा देना तुम लगा देना देखो यहां यार देखो अगर ये बोलता ना सीमेंट मोटर इनहांसे द स्ट्रेंथ ऑफ अ ब्रिक ब्रिक की स्ट्रेंथ रिलेटिव। अगर भैया ये बताओ सीमेंट मोटार बोल रहा है ब्रिक की स्ट्रेंथ अगर ब्रिक मैसेनरी की बात करता तो मैं भी मान लेता लेकिन क्या, क्या बोल रहा है ब्रिक की स्ट्रेंथ बढ़ाता है क्या नहीं भैया मड मोटार जरूर ब्रिक की स्ट्रेंथ बढ़ाता है बट सीमेंट मोटार कभी भी ब्रिक की स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ाएगा ब्रिक की स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ाएगा आया समझ में तो हम बात के ये कंडीशन निकल करके आएगी तो चलो यहां पर देखिए कंसिडर दिगार्डिंग के प्रिजर्वेशन के रिगार्डिंग इन सभी स्टेटमेंट को बताइएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है और कौन सा भाड़ में जाने लायक है ठीक है चलो फटाफट से तो हम बात करेंगे इंक्रीज इन लाइफ स्पान ऑफ द टिमेंबर अगर मेंबर के लाइफ स्पान में इंक्रीज करना इंक्रीज इन द लाइफ स्पान ऑफ मेंबर तो हमें प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर करना पड़ेगा बिल्कुल करना पड़ेगा और कैसे करते हैं क्रियोसेटो ऑयल ठीक है तो हम आते हैं बिल्कुल इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर नहीं टिम्बर के स्ट्रेंथ में इंक्रीज करेगा टिम्बर के स्ट्रेंथ में इंक्रीज करेगा तो टिम्बर के अगर हम बात करते हैं स्ट्रेंथ में कोई भी चेंजेस निकल करके नहीं आते हैं अगर रिमूवल ऑफ मॉइस्चर की बात करें तो मॉइस्चर का रिमूवल करेगा बेटा प्रिजर्वेशन संभाल करके रखना अगर हम बात करें सीजनिंग करेगा

फोर जो थ्री जो है वो हमारा राइट right स्टेटमेंट निकल करके आता है ठीक है तो हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर फोर थ्री इज द राइट आंसर ठीक है तो थर्टीन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर दिस वन फोर्टीन की बात करो फटाफट से एक और अल्टीमेट क्वेश्चन एक और अल्टीमेट क्वेश्चन एक और अल्टीमेट क्वेश्चन है जल्दी से फटाफट से तो बताओ क्या आएगा आंसर जल्दी जल्दी एक और अल्टीमेट क्वेश्चन है आंसर बताओ क्या होगा आंसर 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 300 सी फटाफट पत्त। मेटल बार ऑफ 10 एमएम डायमीटर है 10 एमएम डायमीटर की है सब्जेक्टेड टू अ पुल ऑफ दिस वन इतने पुल पर रखी गई है गे अलॉन्गेशन अलॉन्गेशन कितना है 0.3 एमएम का अलॉन्गेशन है ठीक है और लेंथ कितनी है 200 एमएम है तो बताओ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मेटल कितना होगा आप सिंपल से सबसे बढ़िया फॉर्म लगाओ दो तरीके e लगाओगे लगा लगा एल एल लगा ये भी करके निकाल सकते दूसरा क्या है हमें पता है डेल्टा एल, एल इज इक्वल टू तो यहीं से बनता है पी एल अपॉन ए तो ई की वैल्यू निकालने का है तो कितना हो जाएगा पी एल अपॉन ए डेल्टा ई निकल करके आएगा तो पी एल अपॉन पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर इंटू डेल्टा एल निकल करके आएगा डेल्टा एल निकल करके आएगा रख दो वैल्यू तो पी की वैल्यू रखोगे कितना आगा हमारा ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव किलोमीटर पर अगर हम बात करते हैं यहां पर निकल के एल एल की वैल्यू कितना है अगर एलोंगेशन कितना पॉइंट थ्री कितना दो सौ एम का गेस था दो सौ एम का गेस था तो हमने दो सौ एम में यहां पर वैल्यू रखी अपॉन पाई बाई फोर डी स्क्वायर की वैल्यू देखें तो कितना दस का स्क्वायर इंटू डेल्टा एल कितना पॉइंट थ्री एम लगा दो सॉल्व कर दो कितना आ रहा है कितना आ रहा है लगभग ए आ रहा है 199 199 अगर हम बात करें 199 हमारा निकल कर गया, किलो न्यूटन पर एम एम स्क् और इसको अप्रोक्सीमेटली कितना बोला जाएगा 200 जो नियर बाई वैल्यू है वो कितना है 200 सौ निकल करके आएगा इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर निकल करके आएगा ठीक है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ठीक है चलो 15 नंबर की बात करो फटाफट से 15 नंबर की बात करो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलो थोड़ा लाइट को सेटअप किया गया है कहां पर एक पी पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन बोल दिया उसका कितना है टॉप ऑफ द मोबाइल टाइवर मोबाइल टाइवर पे चढ़ के बात करेगा क्या जल्दी बताओ मोबाइल टाइवर के टॉप का कितना है थर्टी डिग्री निकल करके आ रहा है अगर स्टाफ रीडिंग को हमने बात किया आरएल पे रखा गया है और स्टाफ रीडिंग इतनी है तो बताओ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दी है तो टॉप का आर एल टॉप ऑफ द मोबाइल टावर का आर एल कितना होगा टॉप ऑफ द मोबाइल टावर का आर एल कितना होगा एग्जैक्टली <laughs> exactly, देखो डायग्राम बना लो ना साहब ये मोबाइल टावर रहा है ये मोबाइल टावर है ये तुमने यहां पर इंस्ट्रूमेंट लगाया है ये इंस्ट्रूमेंट लगा दिया है और इंस्ट्रूमेंट से यहां से तुमने वैल्यू ले ली है तो ये वैल्यू कितनी आई है ग्राउंड के ऊपर मीटर मीटर आई आई है है से यहां तक का एंगल देखा तो ये कितना आ गया है ये थर्टी डिग्री निकल करके आ गया है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना आठ सौ दस बोला दिया गया है कितना आठ सौ दस मीटर बोल दिया गया है और ये जो है वो आर एल यहाँ पर कितना दे दिया गया है यहाँ पर जो आर एल दे दिया गया था वो कितना था वो एक सौ दस मीटर है तो इस पॉइंट ए पॉइंट की वैल्यू निकालनी है तो आरएल ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हुआ आरएल ऑफ ए इज इक्वल टू हुआ आरएल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड रीडिंग 2.555 प्लस इसके ऊपर की रीडिंग और ऊपर की रीडिंग कैसे निकालोगे ये वैल्यू आई एक्स तो tan 30 इज इक्वल टू कितना होगा एक्स अपॉन 810 होगा तो एक्स की वैल्यू लगा देना तो एक्स की वैल्यू कितना आएगा 810 tan 30 लिख देना और इसको सॉल्व करोगे तो कितना पॉइंट टू फाइव मीटर निकल करके आ जाएगा आप कोई बोलेगा सर टेन थर्टी को कैसे सॉल्व करेंगे तो टेन थर्टी की वैल्यू याद रखना पड़ेगा वन बाई रूट थ्री कितना वन बाई रूट थ्री निकल करके आएगा ठीक है तो ये हमें यहां पर वैल्यू याद रखना पड़ेगा ठीक है ये हमें यहां पर वैल्यू याद रखना पड़ेगा ठीक है चलो तो हम बात करेंगे 15 की बात करेंगे ऑप्शन नंबर जो होगा वो हमारा राइट right आंसर होगा ठीक है की की बात 3. 16 की बात ऑप्शन नंबर करो फटाफट से बेटा अभी नहीं कह सकते मास्टर क्लास होगा यानी थोड़ी देर में पता चलेगा अभी तक तो शेड्यूल नहीं है मास्टर क्लास आज का अगर होगा तो मैं अपडेट कर दूंगा अपने टेलीग्राम पर ओके चलो फटाफट पड़ से जल्दी 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 फटाफट पड़ सेशन को शेयर और लाइक मारो एक बहुत जोरदार तरीके से सेशन को शेयर और लाइक मारो और सुनो तुम लोग सेशन एंड होने के बाद जो लास्ट में कमेंट सेक्शन होता है ना उसमें अपने कमेंट और रिव्यू मेंशन कर दिया करो चलो द लेंथ ऑफ द बीम ऑफ विच द मूवमेंट इज ग्रेटर देन द इल्मो देखो हिंदी में आ गया कौन पूछ रहा था हिंदी ये आ गया हिंदी धरन की लंबाई क्या होगी जिस देखो कई बार लेंदी क्वेश्चन होता है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखेंगे ना दिक्कत हो जाती है ठीक है तो छोटे क्वेश्चन में लिख लेते हैं हिंदी और इंग्लिश कोई दिक्कत नहीं है पूछ रहा था कोई हिंदी का चलो कितना देखो यार अगर हम सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करते हैं यहां पर और प्लास्टिक हिंज हमारा जनरेट हुआ है तो उस कंडीशन में प्लास्टिक हिंज जो जनरेट हुआ है उसका प्लास्टिक लेंथ बताना है कितना होगा तो लेंथ इज इक्वल टू कितना एल पी इज इक्वल टू एल वन माइनस वन अपॉन शेप फैक्टर निकल करके आएगा और शेप फैक्टर क्या होता है एमपी अपॉन एम बाय या एम बाय अपॉन एम पी ठीक है एमपी अपॉन एम बाई या एम बाई अपॉन एम पी क्या होगा एम पी अपन बस वैल्यू लगा दो एल हम बात करें वन माइनस वन बाई कितना फाइव बाई थ्री हम बात करेंगे यहाँ पर हो सकता है फाइव बाई थ्री की बात करते हैं यहां पर हो सकता है तो ये वैल्यू निकल करके आएगी तो इस वैल्यू को जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना होगा थ्री बाई फाइव टू बाई थ्री टू बाई थ्री पॉइंट सिक्स सेवन तो पॉइंट सिक्स सेवन की बात करेंगे तो कितना पॉइंट थ्री थ्री निकल करके आएगा ठीक है पॉइंट थ्री थ्री निकल करके आएगा तो हमारा सिक्सटीन का आंसर क्या हो गया सिक्सटीन का आंसर निकल करके आया कितना आ रहा है जल्दी बताओ फटाफट से कितना आ रहा है आंसर पॉइंट फोर एल आ रहा है लगभग तो हमारा आंसर निकल करके आया क्यों भैया टू बाई फाइव थ्री अगर हम बात है ठीक है तो हम बात करते हैं यहाँ पर कंडीशन निकल करके आएगा पॉइंट फोर एल इज द राइट आंसर हो जाएगा तो मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था ठीक है तो सेवनटीन का आंसर दे दो तो फटाफट से बैंकलैन बीम डिफ्लेक्शन मेथड इज यूज फॉर डिजाइन ऑफ बैंकलैन जल्दी बताओ फटाफट से जल्दी बताओ मैन बीम डिफ्लेक्शन मेथड की बात करेंगे तो किसके लिए यूज करते हैं फटाफट से चलो फटाफट से बस फर्क केवल इतना था हम दोनों में बस फर्क केवल इतना था हम दोनों में मुझे कॉफी पसंद थी उसे चाय ठीक है चलो फटाफट से मैन बीम डिफ्लेक्शन मेथड इज यूज फॉर द डिजाइन ऑफ अगर हम बात करते हैं यहां पर तो मैन बीम डिफ्लेक्शन मेथड की बात करेंगे तो क्या था मैन बीम डिफ्लेक्शन मेथड जो होता है वो ओवरले के लिए यूज करते हैं और कौन सा ओवरले अगर हम बात करेंगे फ्लेक्सिबल ओवरले ओवर फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए यूज करेंगे ठीक है हम बात करेंगे यहां पर तो हम बात करेंगे यहां पर कंडीशन निकल करके, हम बात करेंगे यहां पर निकल करके ओवर फ्लेक्सिबल पेमेंट अब बताओ अगर ओवरले थिकनेस निकालनी है तो फॉर्मूला पता है किसी को जल्दी बताओ <laughs> अबे इनको रेशियो प्रपोर्शन पढ़ाओ मिल्क तो दोनों में कॉमन है अबे मिल्क का रेशियो एंड प्रपोर्शन अलग अलग हो जाता है दोनों में समझ नहीं पाओगे बहुत बढ़िया बताओ अगर हम अके ओवरले थिकनेस जो होगा वो ओवरले थिकनेस बताओ क्या होगा <coughs> इसलिए बोल रहा था इंजीनियर्स वर्ल्ड रीजनिंग पढ़ लो थोड़े दिन पढ़ो रीजनिंग मैथमेटिक्स पढ़ो रीजनिंग पढ़ो चलो फटाफट पड़ बताओ क्या होगा आंसर आंसर अगर मैं निकालना चाहूं थिकनेस निकालना चाहूं तो थिकनेस क्या होगा थिकनेस क्या होगा थिकनेस की बात करेंगे फटाफट पड़ बताओ अबे थिकनेस का फॉर्मूला क्या होगा अबे किसी को नहीं पता ओवरले थिकनेस इन इक्वल टू कितना होता है फाइव फिफ्टी लॉग ऑफ डीसी अपॉन डी निकल करके आता है अब डी और डी क्या है अब तुमको नहीं पता है है तुमको पता है डीसी अपॉन डी और ध्यान रखना ये डीसी अपॉन डी नहीं ये डी ए डीसी अपॉन डी निकल करके आता है ठीक है तो बताओ क्या होता है पता है पता है तो ये कंडीशन निकल करके आएगी ये फॉर्मूला याद रखना और एक बार इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन पूछा गया है ध्यान देना मेरी बात को एक बार यहां पर फॉर्मूले पर क्वेश्चन पूछा गया है ठीक है समझे नहीं बेटा ये होता है करेक्टेड करेक्टेड जो आफ्टर द करेक्शन जो हमारा डिफ्लेक्शन होता है वो और अलाउवल जो डिफ्लेक्शन होता है वो हम बात करते हैं वो कंडीशन निकल नहीं, ये हमारा डिफ्लेक्शन है <laughs> करेक्टेड वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन आफ्टर डिफ्लेक्शन जो करेक्शन जो होता है डिफ्लेक्शन करेक्टेड वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन होता है है और डिफ्लेक्शन जो निकल करके आता है, ये दोनों वैल्यू यहाँ पर ली जा रही होती है ठीक है तो इनको ध्यान रखना एक इस पर न्यूमेरिकल पूछा, पूछा, पूछा गया है बिल्कुल न्यूमेरिकल पूछा गया है तो ये चीज हमें ध्यान रखना है और सभी लोग यार फीडबैक जरूर मेंशन करना मैं बार बार बोल रहा हूँ फीडबैक इज मस्ट ठीक है वीडियो खत्म होने के बाद वीडियो के दो मिनट का टाइम निकाल के फीडबैक जरूर मेंशन करना ठीक है चलो और सेशन को शेयर और लाइक मारो यार ये बहुत कम जा रहा है प्रॉपर तरीके से सेशन को शेयर और लाइक मारा जाए फटाफट तरीके से देखो मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था सोमवार से नए क्वेश्चन और इस सैटरडे में खास होने वाला है सुनो so, no! इस सैटरडे में बहुत खास होगा इस सैटरडे और संडे बहुत खास होने वाले मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ खास किस सेंस में होंगे वो भी तुम्हें पता चलेगा खास किस सेंस में होंगे वो भी तुम्हें पता चलेगा इस सैटरडे संडे बहुत खास जाने वाला है ठीक है तो सुबह ग्यारह बजे जुड़ जाना विदाउट एनी डिले अब बताओ खास क्या होगा क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए पूरी प्लानिंग कर ली है जिनकी भी जो वीकनेस है उन पे हम काम करने वाले ठीक है क्या होगा तो हम बात करते हैं यहां पर इज परपेंडिकुलर टू द द्लम लाइन थ्रू अ पॉइंट एंड इट टेंजेंशियल टू द लेवल सरफेस और लेवल सरफेस पर क्या होता है टेंजेंशियल निकल करके आते हैं ठीक है थीके? तो हम बात करते हैं यहां पर एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज क्या टल प्लेन कहा जाएगा उसको क्या बोला जाएगा हम बात करते हैं यहाँ पर तो हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर फोर इज द तो हम बात करेंगे यहाँ पर राइट आंसर की, right की बात करो फटाफट से आंसर दो अम्पी लेवल जॉब टेक्स जीरो का जॉब है मैं समझा नहीं बेटा कल नहीं हुई थी आज का मैं बता दूंगा होगी या नहीं अभी ठीक है थोड़ी देर से बता दूंगा आप लोग आते ही नहीं हो मास्टर क्लास में सबसे बड़ी बात तो ये है दिक्कत है क्लास में आओ तो पहले जितने लोग हैं चलो फटाफट से बताओ

जो हमारा ए और बी को रिलेट करेगा ए और बी को रिलेट करेगा तो ये हमारा जीरो टाइम निकालता है क्या निकालता है जीरो टाइम निकालता है इट इज टू यूजनशिप अगर हम बात करते हैं ये पहले वाले के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए जनरली यूज कर रहे होते हैं तो ये भी क्या हो गया है सही हो गया और पहले वाले के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है इसलिए हम बात करेंगे क्या होगा हमारा सही आंसर हो गया एक्सप्लेनेशन सही हो गया है तो हम बात करते हैं यहां पर तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा वन इज द राइट आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू इज द राइट आंसर और हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो हम बात करेंगे यहाँ पर एक कंडीशन तो 19 का आंसर right जो है वो बताओ मुझे क्या होगा चलो 20 छोड़ो यहां पर अगर हम 20 की बात करें 20 छोड़ो 20 कल करवा दूंगा 20 कल करवा दूंगा 21 का आंसर बता देना तुम हम वर्पर चलो ट्वेंटी का ही आंसर बता दो यार चलो ट्वेंटी का ही आंसर बता दो होमवर्क में दे रहा हूं मैं इसको मैं इसको होमवर्क में दे रहा हूं और कमेंट सेक्शन में सभी लोग आंसर करके बताना इसके बारे में दो मिनट बातें करने हैं मुझे तुमसे ठीक है तो कमेंट सेक्शन में सभी लोग इसका आंसर करके बताना न्यूमेरिकल क्वेश्चन है मुझे पता है थोड़ा सा टिपिकल टिक, होता है ठीक है चलो क्या हो गया भैया किसकी बात नहीं सुनी किसको इग्नोर मार दिया चलो तो बिल्कुल यार जब सेशन एंड हो जाता है उसके बाद अपना फीडबैक जरूर मेंशन करो क्या इसी तरीके के क्वेश्चन चाहते हो नए कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं यानी क्वेश्चंस बताओ मुझे ठीक है आपका फीडबैक जो होगा ना वो मेरे लिए नहीं है आपका फीडबैक बाकी बच्चों के लिए है, जो यहां वहां भटक रहे हैं जिनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है उन बच्चों के लिए सो देट so उनको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल पाए कि यहां पर किस तरीके की बात हो रही होती है थोड़ा इजी करो सर चलो ठीक है तो हम बात करेंगे यहां पर देखो इस सेशंस को जल्दी फटाफट से शेयर एंड लाइक कर दो यार जल्दी से इतने सारे लोग देख रहे हैं और शेयर और लाइक करो फटाफट से लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर द इफेक्टिव हेड ऑफ अ मशीनरी इज इक्वल टू द्रॉस है पेन स्टॉक एंड हेड एट द टर्न इनलेट तो हम बात करेंगे ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाता है क्योंकि नेट हेड जो निकल करके आता है वो क्या होता है ग्रॉस हेड माइनस हेड लॉस माइनस वी स्क्वायर वाई टू जी निकल करके आता है ठीक है टू जी निकल करके आता है ठीक है तो हम बात रखते हैं यहाँ पर ये कंडीशन दूसरा अ टर्बो मशीन बिकम्स ससेप्टिबल टू कैविटेशन इफ प्रेशर फॉल्स बिलो द वेपर अगर वेपर प्रेशर जो कब होता है जब हमारा हमारा प्रेशर जो होता है वेपर प्रेशर से कम हो जाएगा तो कैविटेशन की कंडीशन निकल करके आएगी और कैविटेशन की कंडीशन निकल करके आएगी तो उस कंडीशन में हमारा ये बट ये पहले वाले का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है तो, तो दोनों स्टेटमेंट सही है इसलिए ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर होगा ठीक है ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर होगा ठीक है तो देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर टू द करेक्ट ग्रूज आदेश जी ने बोला बिल्कुल सही बात है अनिल ने आंसर दिया वन वन नहीं होगा बेटा दो होगा बी की देखो एग्जाम डेट आ चुकी है मुझे पता है और बीचईएल के लिए प्रीवियस ईयर पेपर मुझे नहीं मिला अगर आपके पास है तो प्लीज टेलीग्राम पर मुझे शेयर कर दीजिएगा ठीक है अगर हम बात करते हैं बीएचईएल इसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए बात कर रहा हूँ तो आप मेरे को शेयर कर सकते हैं नो इश्यूज फॉर दैट मैं सॉल्व करवा दूंगा ओके बाकी जो सेशन हम ले रहे हैं अगर हम देखें तो फाइनेंस का जो पेपर हुआ था उसमें देखा गया था कि वो सिमिलर पेपर देखा गया था जो एक्चुअल बाकी एग्जामिनेशन में आता है फाइनेंस के ठीक है सो so, यहां पर मैं बोल सकता हूं जो हमारा बाकी एग्जामिनेशन में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिमिलर तरीके से बी में और अगर हम बात करते हैं यहां पर ठीक है और अगर मैं बात करता हूं यहां पर साथ ही साथ एक और चीज बता देता हूं कि एम्स के जो पेपर हुआ है अभी जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर के लिए उसमें मेरे पास फीडबैक ही आया है सर अपने सेशन से ही क्वेश्चंस रहे हैं मैंने बोला था आप लोगों से कि इसी से रहेंगे ठीक है और इसी तरीके से निकल करके आएगा तो सभी लोग यहाँ पर जाइएगा शो मोर में और यहाँ पर सबसे पहले तो टेलीग्राम चैनल को क्लिक कर लो क्योंकि डेली क्विज क्विज होता है क्विज के साथ साथ आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर मिल रही होती है तो सबसे पहले तो इसको ज्वाइन कर लो दूसरा ए जेई की टेस्ट बुक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिल रहा है मेरा कोर्स एस एस जेई लाइव स्टार्ट हो चुका है बैच स्टार्ट हो चुका है यार 2024 का टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों सब्जेक्ट के साथ बिल्कुल मिशन सिलेक्शन बैच यहाँ पर लाइव हो चुका है जिसमें मेरे गाइडेंस सेशंस भी आपको वहां पर मिलने वाले हैं ठीक है तो हम बात करते हैं यहाँ पर एक निकल करके आ रहा है तो अगर हम बात करें गाइडेंस की बात करेंगे तो गाइडेंस भी आपको सफलता बैच मिल रहा है जो कि हर एक जेई एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल होगा और ये बैच मस्ट अगर हम बात करते हैं आप देखो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बैच निकल करके आता है साथ ही साथ आरआरबी जेई जो अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए भी आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन जल्दी ही मिलेगा और उसकी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिएगा तो एजेई सिविल हम स्टार्ट करते हैं तो एक सब्सक्रिप्शन से नंबर ऑफ एग्जामिनेशन कवर अप होते हैं वो आप देख सकते हैं साथ ही साथ हम बात करेंगे यहां पर क्या होगा आपको यहाँ पर और क्या मिलेगा 300 से ज्यादा स्टडी नोट्स मिलेंगे और 6000 से ज्यादा प्रैक्टिस सेशन और प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत जरूरी होते हैं क्वालिटी प्रैक्टिस सेशंस जिसमें मेरे द्वारा बनाए गए प्रैक्टिस सेशंस भी यहां पर निकल करके आएंगे ठीक है साथ साथ ही साथ मैं बात करूंगा मंथ का पीवाई क्यू बुक के साथ सब्सक्रिप्शन में है फोर में अगर नाइन में मिल रहा है तो उसको थोड़ा सा और हम ड्रॉप करते हैं प्राइस जो यहाँ पर कोड दिया गया है इस कोड को हटा देने का है और इस कोड की जगह वी ए आई वी एच ए वी और वैभव कोड को यहाँ पर अप्लाई करने का है तो वैभव कोड को अप्लाइड करते ही यही आपका फोर टू एट नाइन में आपको मिलने वाला है कितने में फोर टू एट नाइन में आपको यहां पर मिलने वाला है हमारा सब्सक्रिप्शन साथ ही साथ अगर बुक के साथ आप पीवा करते हैं तो यही आपको फोर फोर टू एट में मिलेगा कितने में फोर फोर टू एट में मिलेगा तो बहुत ज्यादा डिस्काउंट यहां पर मिल रहा है फोर फोर टू फोर से लेकर के हम फोर टू एट नाइन में ठीक है बेटा आप, आप क्वालिफाई करने के लिए कर सकते हो बट अगर हम बात करें कोई रैंक लाने के लिए एक महीने में कुछ नहीं होता है ठीक है क्वालिफाई करने के लिए कर सकते हो ओके okay? तो प, आ, जो हमारे स्टूडेंट है पल्लव पल्लव ने मुझे बताया कि एम्स का पेपर जो था वो यहां से आया यहां से सेशन से ही आया पल्लव ने मेरे को इंफॉर्मेशन दी थी ओके चलो सो थैंक यू एवरीवन मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद 12 बजे की क्लास में सुपर कोचिंग बैच के अंदर अपने हाईवे इंजीनियर की क्लास में ठीक है चलो थैंक यू एवरीवन थैंक यू सो मच सेशन को जाते ज्यादा शेयर और लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो